हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कि नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी फैन कोड लाइव क्रिकेट एंड स्कोर ऐप में कैसे आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपको सबसे टॉप में सर्च ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है फ्रेंड कोड लाइव क्रिकेट एंड स्कोर। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऐप का इंटरफेस इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बैक जाना है, यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन पर क्लिक करना है। आप वहाँ से भी ओपन कर सकते थे ऐप को। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है अगर आपको ईमेल आईडी के साथ अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर कनेक्टिंग विद गूगल में क्लिक करना है। अगर आपको फेसबुक के साथ लॉगिन करना है तो आपको फेसबुक पर क्लिक करना है। तो हम ना जीमेल आईडी से ना फेसबुक के साथ अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम फ़ोन नंबर से अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है और आपके फ़ोन में जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर OTP आएगा। मेरा जो है OTP आ चुका है, ऑटोमेटिक ले चुका है क्योंकि सिम इसी फ़ोन में है। अगर आपने आपका सिम किसी और फ़ोन में है तो उसमें OTP आएगा, OTP इंटर कर लेना है। तो आप इसी तरह से न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।